और अपा ने चलानी भी ज्यादा 80-85 है अच्छा फालतू। अपा ने भाई मैंने एक दो बार ट्राई करके देखा है, उसमें थोड़ा ये ज्यादा यूं लगता है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चला रहे तो हैं। जैसे अब हम गाड़ी के अंदर आ गया भाई, हाँ तो इंटीरियर की आप बात करें। इंटीरियर में देखो वैसे कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी ये प्लास्टिक क्वालिटी बस हल्की है। अच्छा देखो दब भी रही है, हाँ, जबकि थोड़ी सी है ना ये इसकी फिट एंड फिनिश ये जो है, हाँ ये थोड़ी सी नहीं है, दम नहीं है मारुति के इसके में। जो हुंडई वगैरह की गाड़ियां आती है उनकी फिट फिनिश बहुत अच्छी आती है। अच्छा बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। देखो सब कुछ जो है अपने कंट्रोल हाथ में है, वो तो है ही। हाँ और इसका जैसे स्टीरियो सिस्टम सबसे ऊपर है, मतलब समझो इसका जो है जो इससे लोअर मॉडल आते हैं उनमें तो बहुत वैसे नॉर्मल आता है। इसमें अपना जो है एप्पल कारप्ले भी है। अच्छा एक बार ऑन करेंगे इसको। हाँ हाँ गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिला है, एंड्रॉयड ऑटो भी है और नेविगेशन भी है, और सबसे बढ़िया तो इसमें जैसे ये है अपना ऑटोमेटिक सिस्टम इसका एसी का। अच्छा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ, बहुत जबरदस्त बढ़िया एसी, बहुत बढ़िया चल। ड्यूअल जोन है या सिंगल जोन ही है? सिंगल जोन में है। अच्छा तो आपको हाँ। ये सिंपल सा एकदम, मतलब जो आज जैसे गाड़ी आ रही एकदम खाली खाली रुखापन सा नहीं लगता कि कितनी छोटी सी स्क्रीन है इसी में सब कुछ आपका? ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अच्छा है, सोबर में है ये गाड़ी। ज्यादा मैंने जैसे हिसाब से सोचा था ना, हाँ हाँ। कि भाई ठीक रेंज में आ जाए गाड़ी, और अपा ने चलानी भी ज्यादा 80-85 है। अच्छा फालतू अपा ने भाई मैंने एक दो बार ट्राई करके देखा है, उसमें थोड़ा ये ज्यादा यूं लगता है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चला रहे तो गाड़ी हल्की होती है एक ना, थोड़ा बॉडी रोल भी रहता ना इसका, बड़ी बल्की हो जाती है ना, ये फर्क होता है इसका। अच्छा और क्रूज पे कभी गाड़ी चलाई? क्रूज में बहुत बढ़िया चलाई है, बहुत बढ़िया है। मैं चलाता इसको हाईवे पे क्रूज पे। हाँ तो क्रूज पे ही चलाने से आपकी बढ़िया हाँ, एवरेज निकलती हाँ। है। अच्छा जबकि इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग है आपने फिर भी इसमें आईपॉप का वो लगा रखा है, हाँ ये किस लिए क्या सोच के लगा? जब लाइट स्टेयरिंग नहीं है उसमें थोड़ी आदत बनी हुई है पहले, ये पुरानी गाड़ी का उतारा हुआ है। अच्छा अच्छा इसमें चलाने में हमारे को आसानी रहती है, जैसे भीड़ भाड़ इलाके में फटाफट कटिंग होती है इससे। अच्छा हाँ तो इसलिए आपने करा? वैसे यहीं रहता है हाथ, जैसे भीड़ भाड़ का इलाका होता है, हाँ बैक करनी है आगे लेनी है उसमें ये दिक्कत नहीं। अच्छा अब जैसे आपने ये सनग्लास होल्डर दिया हुआ है गाड़ी में, आज तक यूज करा है? हाँ किया है, अभी देख लो इसमें है। अच्छा इसका प्रैक्टिकल यूज मुझे तो नहीं लगता कि आप सनग्लास होल्डर को आप साइड में भी रख सकते हैं अपने जैसे डोर पे बोतल। हाँ हाँ वैसे तो ये इरिटेट करता है जैसे इसमें थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ करता रहता है, बजेगा भी। हाँ, ये तो है, है ये। हाँ। और वही बात, इतना ध्यान कहाँ लगाओगे ऊपर इसको हाँ, रखने में? कई बार जैसे ध्यान नहीं रहता ना, ये सनग्लास यहाँ होल्डर है तो जो यूं सोचते हैं पता नहीं खड़कन कहाँ से। हाँ हाँ अच्छा यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है यूएसबी चार्जिंग, यहाँ दो मोबाइल रखो आप, मतलब मोबाइल ये देखो जगह, ग्लास होल्डर कितने हैं यहाँ पे, मतलब ये इसमें ये देखो ये बोतल कितनी बड़ी है ये देखो। अच्छा ये 1.5 लीटर के ऊपर, मतलब चारों आप डोर में ये बड़ी बड़ी बोतलें रख सकते हो चारों दरवाजे। हाँ, इस गाड़ी में स्पेस की कहीं भी कोई कमी नहीं है, खूब मौज है। अच्छा ये देखो ऊपर है ये अपना वो है ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, कोल्ड ग्लव। हाँ इसमें आप कुछ भी ड्रिंक रखो कुछ भी रखो, और ये देखो पूरा ग्लव बॉक्स है, कोई कमी नहीं है, माल चाहे कितना रखो इसमें कुछ भी। और ये आपकी सीट के नीचे भी है। अच्छा हाँ इसमें मेरा जैसे पॉलिश वगैरह रखी रहती है। हाँ समझ गया, और भी सामान का भी। ओ ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ इसमें अपन ऑयल वगैरह भी कुछ, हाँ ब्रेक ऑयल वगैरह जो आपको इमरजेंसी में चाहिए, पेमेंट करके जानी हो कैश करके जाना हो कुछ भी। अच्छा इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपके मतलब जो नॉर्मल चार्जर होता है घर पे उसी स्पीड से फोन चार्ज करते हैं या ये है कि लग रहा है? मैंने स्पेशल एमआई का ले रखा है। अच्छा ये बहुत जबरदस्त चार्जर है, बहुत फास्ट चार्ज करता है, वही 5 वोल्ट वाला 5 एम्पीयर वाला। हाँ ये मुझे नहीं पता, ये सबसे हैवी आता है एमआई का, ये की आता है। अच्छा तो आप इसमें ओक्स सॉरी यूएसबी भी दिया हुआ, तो अब यूएसबी से डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट कर लेते एक बार? हाँ यूएसबी से काफी बार करते हैं, अब आपके पास 3 USB होगी, 2 आपने उसमें बना दिए सॉकेट में और 1 USB कंपनी। इससे चार्जिंग नहीं होता इतना बढ़िया। अच्छा हमने ये लिया था, वहाँ पर पावर ज्यादा है वो ऑब्वियसली। ये इसका जो एमआई का चार्जर है ना ये बहुत बढ़िया चार्ज करता है। अच्छा हाँ। और गियर की पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है,
और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि आपकी मेन स्क्रीन की बात करें, जब आप गाड़ी चलाते हैं जैसे अब हम स्क्रीन की बात करें, इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है? इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है जी। देखो दो तो ट्रिप मोड है इसमें। अच्छा, आपने जैसे ये रेंज दिखा रहा है अभी कितने किलोमीटर रेंज सारी बताएगा, दो ये एवरेज बताएगा पर सेकंड की और वैसे पर लीटर की भी। अच्छा। दोनों तरह की एवरेज बताता है और जैसे टोटल किलोमीटर कितनी चल गई है, दो तरह के ट्रिप वो दिखाएगा और वो भी दिखाएगा टेम्परेचर आपको, आपकी कितनी रेंज बची हुई है, ये सब है। हाँ, वैसे हर एक फीचर है इसमें, गाड़ी में सारे फीचर हैं इसमें, कोई कमी नहीं है फीचर्स की। अच्छा, गाड़ी के आप नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें, नेगेटिव आपको इस गाड़ी में क्या लगता है? नेगेटिव बिल्ड क्वालिटी, मारुति वालों को वही रोना बस, बिल्ड क्वालिटी। ये मैं शुरू से सोच के ली थी, मेरे को ही पता था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में दम नहीं है, बाकी मुझे पता था मैंने स्पीड कम चलानी है। पर आप तो स्पीड कम चलानी है। हाँ। पर सामने वाले का तो नहीं पता ना कब। देखो उसका कुछ नहीं कर सकते, बाकी ये सोच के ही ली थी, ये डुअल एयर बैग जब तक डुअल ही आते थे इसमें। हाँ, उस टाइम तो इसलिए मैंने ये टॉप मॉडल ली थी, नहीं तो मेरा कोई रीजन नहीं था डुअल एयर बैग वाली, मतलब इसीलिए ली थी। हाँ, हॉर्न इसमें सिंपल मिलता है या बड़े वाला? इसमें जैसे और इससे लोअर मॉडल थे उससे बड़ा। अच्छा। हाँ, अच्छा, पर आवाज आपको वही सिंपल वाली है जो आजकल जैसे आ रहा है। हाँ, हाँ, क्रेटा वाला ही फील नहीं है वैसे सही। वो तो आफ्टर मार्केट आप खूब करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, हम मैं सिंपल व्यापारी आदमी, कुछ भी नहीं करवाया अपन ने, सिर्फ फ्लोरिंग ये थोड़े मैट लगवाए थे 3D के, ये 4D है 3D। मेन मकसद तो ये रहता है गाड़ी ले जानी है, घूमना है तो आना, और कुछ खास प्रैक्टिकल यूज भी नहीं होता जैसे आजकल। देखो ना पूरा स्पेस है, मतलब गाड़ी मेरे को कहीं भी ऐसे पैर नहीं टकराता, फुल। अच्छा, पीछे फुल सीट पीछे करने बाद पीछे वाले को लेग स्पेस कितना बचता है? फुल स्पेस है, कोई अच्छा। दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी। और पॉजिटिव तो आपने दुनिया भर के बताए, नेगेटिव सारे आपने... पॉजिटिव है बस, थोड़ा बहुत ये बिल्ड क्वालिटी ये करड़ करड़ होता है, ये आवाज आती है बस, बाकी इसमें भी कोई खास मेरे को पता है ना, इन्होंने रेंज से आइटम बनाई है ये जो है। अच्छा, गाड़ी रेंज वाइज इन्होंने अच्छी बनाई है। अच्छा। हाँ, और चलाने में एक्सपीरियंस कैसा? रिड जिसे आप डीजल में आए वो तो आपने बताया थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत आई। हाँ। लेकिन जो चलाने की फील है जो गाड़ी ली जाती है वो। हाँ। आपको कैसी लगी? वैसे मेरे को जैसे डीजल ही लेनी थी, मेरे को ज्यादा पहले मैंने डीजल की सोची। हाँ, ये तो इस वजह से छोड़ रहा था कि दिल्ली NCR में जो है 15 साल की दिक्कत, 15 साल में यार RC है या नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैंने ये, फिर बाद में उन्होंने एजेंसी वालों ने बताया 15 साल की RC जब मैंने ये ले ली। अच्छा, नहीं तो आप ये नहीं लेते? नहीं तो नहीं लेता, वही बात है ना, लेता पेट्रोल डीजल में एक तो रेट का चलो फर्क मान लिया, पर 5 साल वैल्यू घटेगी गाड़ी की, तो फिर बस सही क्या है। हाँ बिल्कुल। अब मैं इसको जैसे कम से कम भी तो जो है इसके 10 साल तक, इसको जो 10 साल नहीं मतलब जिस 4 साल में चला चुका, 6 साल और इसको कम से कम रखूंगा, तो 10 साल आप पूरे करो और फिर आप सोचोगे। फिर सोचूंगा। अच्छा, इसके बाद आप कौन सी सोच रहे हो? जैसे इसके बाद तो रोज नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं। रोज तो अभी थोड़ा मोड़ा 7 सीटर में जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि जैसे मेरी फैमिली अभी 5 मेंबर हो गए हम। हाँ। जैसे बच्चे छोटे हैं वो सोने के लिए जैसे वो करते, अभी मेरे पास 2 गुड़िया एक लड़का है, जैसे वो छोटा बच्चा है वो तो 1 साल का है, वो अभी गोदी में रह जाता है, तो ये छोटे बच्चे मतलब वो जो बच्चे हैं मेरे वो लॉन्ग ट्रिप में ना सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको जैसे अभी तो कर लेते हैं एडजस्ट, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ 6-7 सीटर ली जाएगी। 7 सीटर में कुछ सोचा? उस टाइम ना ये लॉन्च जब ये हमने ये ली थी तो उस टाइम अर्टिगा लॉन्च नहीं हुई थी। हाँ, जैसे अब ये जो अर्टिगा आ रही है। हाँ, जो अब अर्टिगा आ रही है उस टाइम डीजल में भी आ गई थी ये, बस उस टाइम लॉन्च नहीं हुई थी, नहीं तो मैं अर्टिगा पे जाता डीजल पे। अच्छा, 7 सीटर में। हाँ, और जो वाइपर है रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर, आपको दोनों ही शीशे पे वाइपर मिले आगे पीछे? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल यूज होते हैं पीछे वाले? बहुत बढ़िया यूज होते हैं इनमें, पीछे जैसे डिफोगर भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया यूज होता है। और IRVM पे आपको दिन रात वाला वही सिस्टम मिला? डे नाइट है ये, बहुत बढ़िया है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये तो हर गाड़ी में होना चाहिए, रात में लाइट से इतना थोड़ा सिर दर्द हो जाता है। नहीं, मेरा ब्लैक शीशा करवाया हुआ मैंने, ब्लैक जैसे वैसे जिस पहले वाला ओनर था उसने तो पूरी जेड ब्लैक थी। हाँ। फ्रंट वाली भी जेड ब्लैक थी। अच्छा, फिर मैंने जैसे गाड़ी लेते ही सारे शीशों से फिल्म उतरवा दी, बैक का छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, उससे थोड़ा सा सही रहता है कि जैसे पीछे से तो जेड ब्लैक रहते तो चलान पे चलान भी आते आ जाता। वैसे बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया,
कोई कमी नहीं आज तक मेरे को चलाने में। इसमें जैसे नीचे से कभी भिड़ती नहीं। अच्छा। पूरा जैसे तो ग्राउंड क्लियरेंस हो ही जाती है, बहुत बढ़िया है। मैंने इसको जैसे एक तरह से ऑफ रोड भी चला के देखी है, कहीं से भिड़ती नहीं। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है रियर व्हील ड्राइव? फ्रंट। अच्छा, तो कहीं आपको पहाड़ों में तो फील हुआ कि पीछे वजन दब रहा और आगे से टायर खाली स्पिन हो गया? कभी बाई चांस ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने इसको जैसे मंसूरी लेके गया था, मैं इसको मंसूरी दो बार ले जा चुका हूँ। अच्छा। और माता वैष्णो देवी के भी लेके जा चुका हूँ। अच्छा। खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ हमने चढ़ाई, इससे बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ। अच्छा, आपने कंटिन्यूअस कितना ड्राइव किया? आपको थकान तो फील नहीं होती? जिस हिसाब से स्पेस है, थकान फील नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। तो आधी गाड़ी हम तो ये कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है? ना ना, कभी 1% भी कमर दर्द नहीं हुआ मेरे को इसमें। पूरी बहुत बढ़िया बकेट फिट है इसकी जैसे ये। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। ये स्पेस भी बहुत अच्छा यूज में आता है। हाँ, ये तो आर्म रेस्ट तो आजकल काफी चढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे रेस्ट आराम से, मतलब जैसे मैं और मेरी मिसेज यहाँ बैठते हैं, बहुत बढ़िया यूज में आता है। अच्छा, तो दोस्तों ये सब आपने देखा ब्रेजा का ZDI का कंप्लीट एक्सपीरियंस, एक्सटीरियर इंटीरियर और लाइट वगैरह का। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।